उस कपड़े को आग लग गई थी ओह और मैं इसको ऐसे पकड़ के लाइन बोल रही हूँ, मुझे ओह माय पता भी गॉड, नहीं कि ये आग लग चुकी है। उनका मन बन गया था कि उनको मेरे साथ ही काम करना है। करुणा ने सबके सही रंग दिखा दिया, सबको लगा मैं लंदन गई। नहीं गई मैं लंदन, मुझे कहीं नहीं लेकर गए खुशबू, कहीं नहीं, पनवेल लेकर गए मुझे बस, और गोरेगांव। मतलब आज भी अगर मैं किसी को बोलूं, यू नो आई हैव अ फिल्म रनिंग इन थिएटर्स, ये झूठ नहीं होगा। कोरोना आए और फिर भी आप किसी को हंसा सको, ये बहुत बड़ी बात। 28 साल बाद चुटकी जैसे दिखो भी तो थोड़ा और भी मुश्किल हो यस। सकता है। जंगल में अगर चलना पसंद है आपको तो प्लीज आइए। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड ठिकाना। मैं हूँ खुशबू हजारे और ऑटोबायोग्राफी में आज जो पर्सनालिटी हमारे साथ है वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की आइकॉनिक फिल्म का हिस्सा रह चुकी है, और कोइंसिडेंटली आज उस फिल्म ने फिल्म इंडस्ट्री में 28 साल पूरे किए हैं। 20 अक्टूबर ईयर 1995 को ये फिल्म रिलीज हुई थी, और उसके बाद इस फिल्म ने सिर्फ रिकॉर्ड्स के झंडे ही गाड़े हैं, और इस फिल्म के सीन्स और डायलॉग्स को समय समय पर हिंदी फिल्मों में इस्तेमाल किया गया है। आज तक वो सीन्स इस्तेमाल होते रहे हैं, स्पेशली ट्रेन वाला सीन। इनफैक्ट इस फिल्म का डायलॉग बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें तो होती रहती है, वो तो ओबामा ने भी बोला था, इतना पॉपुलर डायलॉग ये बन गया था। आप समझ ही गए हैं मैं बात कर रही हूँ फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की। और मेरे साथ उसी फिल्म से छुटकी का किरदार करने वाली एक्ट्रेस पूजा रूपरेल है। हाय पूजा, वेलकम टू बॉलीवुड ठिकाना। हेलो खुशबू, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। 28 इयर्स ऑफ डीडीएलजे। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। यहाँ आते ही मुझे कोमल जी ने बताया और खुशबू ने बताया कि मेरे बड़ी बहन ने इसे आज ट्वीट किया है, और थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी लाइक अ गुड ओल्डर सिस्टर। एंड 28 इयर्स मोर देन एनीथिंग एल्स, थैंक यू टू एवरीबडी फॉर कीपिंग this movie alive, for keeping me alive, for keeping the memory of the greatness of all the people that were in the movie that are not with us today, like Amrish Puri saab. This keeps amazing me year after year. ये मुझे यकीन नहीं होता कि 28 years हो चुके हैं और आपका प्यार कम होने से रहा, हमेशा ये बनाए रखें। थैंक यू सो वेरी मच, आई लव यू ऑल फॉर 28 इयर्स मोर टू कम। पूजा, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे इस फिल्म के बारे में हम आपसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपके बचपन के बारे में जानना चाहते हैं। आपके बारे में इंफॉर्मेशन, आपके करियर के बारे में बहुत अवेलेबल है, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है इंटरनेट पर। तो बताइए आप कहाँ से हैं, बचपन कहाँ से बीता आपका? मेरी पैदाइश और परवरिश दोनों मुंबई में ही हुई है। अच्छा। बहुत ही सेक्युलर अपब्रिंगिंग रहा है मेरा। I was born in Sion, in Dr. Merchant's Hospital. Building नहीं है आज क्योंकि वो गिर गया, dilapidated था, पुराना हो गया फिर गिर गया। But हाँ, और कैंडललाइट में पैदाइश हुई थी मेरी, लाइट चली गई थी। अच्छा। ये कहानी मैंने सुनी, और मेरी फैमिली इतनी फिल्मी, हे भगवान तुम्हारे पैदा होते ही लाइट आ गई। मुझे नहीं पता अगर लाइट आई, मतलब थ्री इडियट्स वाला सीन। हाँ, बिल्कुल, आपकी लाइफ से चुराया हुआ है। बिल्कुल, मैं हूँ वो बच्चा। तो ये हुआ, पैदाइश वहाँ हुई। एवराड नगर एक कॉलोनी का नाम है जो चेंबूर की तरफ जो हाईवे जाता है उस पर है, राइट हैंड साइड पे चुनाबट्टी के सामने, और 27 बिल्डिंग्स ऑफ ईस्ट इंडियन कैथलिक्स। मम्मी को स्कूल में क्राइस्ट के बारे में बहुत बताया गया था, तो हमारे फैमिली में क्राइस्ट को बहुत मानते थे, हनुमान जी को मानते थे, गणेश जी को मानते थे, लक्ष्मी जी को, सबको मानते थे। ऐसे रिलीजन का ये बहुत प्रभाव था ही नहीं, लेकिन भगवान का बहुत प्रभाव था। यू नो, अच्छा इंसान बनना, किसी को दुख ना पहुँचाना, ये सब चीज़ें बहुत मायने रखता था। लेकिन श्लोक सीखना, आरती करना, रोज करते थे आरती, लेकिन उस पर इतना एम्फेसिस नहीं था। मैं जेबी बादशाह स्कूल, गर्ल्स स्कूल में गई, बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रिटिश कंस्ट्रक्शन, ऐसे लगता था एक ख्वाब में हम, पांच फाइव गार्डन्स में हमारा स्कूल था। बास्केट लेकर गार्डन में जाके मैट बिछा के हम खाना खाते थे, और फिर किंग अंकल के शूटिंग के दौरान मेरे नाना जी मेरे घर आ रहे थे, छोटा सा डब्बा मेरी बहन के लिए लेकर, क्योंकि उसे बुखार था उस दिन, और खुश रहने को ज़रूरी क्या है बोलो यार, उस गाने की शूटिंग चल रही थी, और रास्ता क्रॉस करने के लिए वो रुके हुए थे।
जब एक पिए हुए बीएमसी ट्रक ड्राइवर ने आके 3 लोगों की हत्या कर दी. उनमें से एक मेरे नाना थे. ओह माय गॉड. और दूसरा दिन सेकंड संडे था. एक दिन की छुट्टी मिली रोने को और मंडे को मैं फिर से जाके हैप्पी सॉन्ग सीक्वेंस शूट करने लगी. मतलब इस कम उम्र में इतनी प्रोफेशनलिटी. तो क्या बचपन से ही आप कैमरा फेस कर रही थी? कहाँ से शुरुआत हुई कैमरा फेस करने की? बचपन में मॉडलिंग से मैंने शुरुआत की थी. ब्रेस शूट्स थे और छोटे एड्स थे वगैरह. तो मुझे ज़्यादा उनके बारे में याद नहीं है. ऐसे खेल कूद में शूटिंग कर ली होगी. वो यू नो प्रेस स्टिल्स होते थे, दूसरे बच्चे होते थे उनमें, तो हम यू नो खेल कूद में ऐसे कभी ये हावी नहीं हुआ मुझ पे. और किंग अंकल के दौरान भी ये बहुत ही लक बेस्ड ऑडिशन था, जैसे भगवान कास्टिंग एजेंट बन गए हों. क्योंकि हमारी सोसाइटी में दिवाली का फंक्शन था, तो वहाँ बच्चे जैसे प्रोग्राम करते हैं, हमने भी किया था. माएँ जैसे करती हैं, रिकॉर्ड करवाया था उन दिनों में, तो बहुत बड़ी बात थी. तो मेरे मौसी जी के यहाँ ये कसेट चल रही थी, जो हो एज लक वुड हैव इट वो शत्रुघ्न सिन्हा साहब जी की वाइफ है, पूनम सिन्हा. और उनके बच्चे मेरे कजन थे, तो उनके घर पे ये टेप चल रहा था. और राकेश रोशन जी की बीवी वहाँ उनका इंटीरियर का काम देखने आए, तो उनकी नज़र इस एक बच्ची पे पड़ी जो कुछ खेल कूद कर रही थी वहाँ. और बोले ये कौन है? तो उन्होंने कहा ये मेरी नीस है. तो फिर जाके वहां से उन्होंने मेरा नंबर लिया, मुझे फोन किया, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री. किंग अंकल की शूटिंग के दौरान एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? मतलब इट वाज सो फन, बट इट वाज आल्सो वेरी टफ. बिकॉज कहाँ शूट हुए थे? शिमला के ऊपर कुफरी में. पहली बार मैंने स्नो देखा था लाइफ में. और वहाँ गोवा की कंटिन्यूटी थी. तो गोवा का पतला सा ड्रेस, कुफरी के बर्फ में. ऐसे मेरे पाँव ब्लू पड़ गए थे, बिल्कुल नीले हो गए थे. और कुछ सेंसेशन नहीं था उनमें, क्योंकि पूरा सीन मुझे वो पतले सोल्ड वाले जूतों में, पतले बॉम्बे के सॉक्स में, ऐसे समर के कपड़ों में मुझे वहाँ के सर्दी में शूट करना पड़ा. और कन्वर्सली गोवा के किचन में, जो सबसे गर्म जगह है, वहाँ मंकी कैप, जैकेट और बूट्स वगैरह पहनकर मुझे गर्मी की, ठंडी की शूटिंग. हाँ बिल्कुल. तो ये विपरीत कॉस्ट्यूम और मतलब एटमॉस्फेयर का ओहो. लेकिन आपको पता है, किंग अंकल के शूट के पहले दिन पर एक सीन था जहाँ मैं ईंट से उनका उनके दर्द को सेक रही हूँ, क्योंकि उनको लग जाता है वगैरह. और ईंट को इस एक कपड़े के साथ पकड़ा हुआ था मैंने, और उस ईंट को आग के ऊपर गरम करके ऐसा कुछ सीन था. उस कपड़े को आग लग गई थी और मैं इसको ऐसे पकड़ के लाइन बोल रही हूँ. मुझे पता भी नहीं कि ये आग लग चुकी है यहाँ. और उन्होंने काट 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 चिल्लाया. और ये बच्चे के हाथ में मतलब यू नो आग लग रहा था. तो या दैट वाज व्हाट हैपेंड ऑन द फर्स्ट ईयर किंग अंकल क्वाइट इवेंट. बिसाइड्स दैट, मुझे इतने उम्दा डायरेक्टर्स लाइक सिनेमेटोग्राफर्स एज वेल एज डांस डायरेक्टर्स, सरोज जी थे, चिन्नी प्रकाश, रेखा प्रकाश, देयर वाज जस्ट कमल जी. इट वाज क्रेजी द पीपल दैट आई गॉट टू वर्क विद. और उस समय पे आपको एहसास नहीं होता कि इतने ऐतिहासिक लोगों के साथ आप काम कर रहे हो. यू नो देयर हिस्टोरिकल फिगर्स व्हेन इट कम्स टू बॉलीवुड हिस्ट्री. सो या आई गॉट टू बी पार्ट ऑफ Bollywood history first hand, which was fabulous. Rakesh Roshan is film ke director the. Kabhi Ritik aate the wahan pe? Ritik to assistant director the. Acha, is film pe. Haan. Unko us samay Rakesh ji train kar rahe the. To Achha. Unko koi preferential treatment nahi milti thi. Wo dusre directors ke saath, assistants ke saath dusre hotel mein rehte the. I must say, he really taught his son. To tab wo direction ki taiyari kar rahe the. Haan, bilkul. Wo sab seekh rahe the, I suppose. Achha. You know. सारे ऑप्शंस लेकर चल रहे थे. मतलब वो डांस भी बहुत अच्छा करते थे, वो बहुत ही क्वाइट थे. और तब इतनी फिजिक अच्छी थी. ही वाज इन कॉलेज, ही वाज लाइक मच लीनर एंड यू नो ही वाज जस्ट यंगर एंड यू नो एवरीबॉडी वाज यंगर एंड बट ही वाज डांसर एट दैट टाइम. ब्यूटीफुल डांसर. कभी वहां पे डांस किया? ऑफ कोर्स. आई थिंक वंस आई सॉ हिम डांस एंड आई वाज लाइक वाओ.
ये क्या ब्रेक डांस करते हैं, टू गुड. पर मैं उनको सताती थी कि भाई आर्ची का कॉमिक दिला दो फिर ही काम करेंगे, जो ऐसा पता था उनको मैं बिल्कुल नहीं नहीं करूंगी. अच्छा. बट हाँ, सताती थोड़ा तो एक कॉमिक वॉमिक मिल जाता था कभी कभार. जैकी श्रॉफ भी इस फिल्म का हिस्सा थे. जैकी श्रॉफ की अगर पर्सनैलिटी की बात करें तो इन दिनों उनके वीडियोज बहुत वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, जहाँ वो लोगों को प्लांट्स गिफ्ट करते हैं. इससे पता चलता है उन्हें प्लांटेशन का बहुत शौक है. वो रेसिपीज बताते हैं, उन्हें कुकिंग का बहुत शौक है. तो क्या तब ऐसा कुछ माहौल रहता था सेट पर? तो कुछ नहीं बनाया उन्हें, ना ही वो हमको प्लांट दिया. तो मतलब हाँ, आई थिंक फिर से मुलाकात करनी पड़ेगी और उनके रेसिपीज ट्राई करने पड़ेंगे डेफिनेटली. और टाइगर श्रॉफ आते थे उनके साथ? टाइगर श्रॉफ तभी 2-3 साल के थे. अच्छा. और उन्हें अजीबोगरीब चीजें कहलवाते थे और सब हैरान रह जाते थे. और टाइगर इतने क्यूट थे, बापरे, व्हेन ही वाज लाइक टाइनी बेबी, यू नो, जस्ट लर्निंग, नॉट इवन टॉकिंग प्रॉपरली, जस्ट लर्निंग फर्स्ट वर्ड्स. ही वाज द वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल चाइल्ड. और उनको उठपटांग चीजें सिखाकर ये ऊपर एक जहाँ एको बहुत होती है, आवाज कैरी होती है, ऐसी जगह पे छोटे बच्चे को रखकर उनसे ऐसे बेहदा चीजें करवाते थे और सब लोग बोलते क्या छोटे बच्चे ने क्या कह दिया, यू नो. बट इट वाज वेरी हिलेरियस. ही वाज जस्ट अ प्रैंकस्टर, यू नो, वुड ऑलवेज थिंकिंग ऑफ हाउ टू मेक सम मस्ती अराउंड एंड हैव अ गुड लाफ एंड हैव अ गुड टाइम. और शाहरुख के साथ तो मुलाकात तभी हो गई थी. बिल्कुल ही, बिल्कुल. उनके करियर की तो शुरुआत हुई नए नए थे, बिल्कुल ही नए नए थे. तो तब में और जब आपने DDLJ में शाहरुख के साथ काम किया, क्या डिफरेंस आपने नोटिस किया उनमें? By DDLJ, शाहरुख खान वो शाहरुख खान, he was like तब तक स्टार बन गए थे, स्टार ever. But he's such a warm, intelligent man, you know. वो उनका दिल कुछ और ही है, मतलब वो अंदर से नहीं बदले. आई थिंक स्टारडम ने उन्हें खोखला नहीं किया. और वो उतने ही प्यार से बर्ताव करते थे, उतने ही हेल्पफुली को एक्टर थे, बहुत ही जेनरस को एक्टर हैं. अगर कभी टिप्स देना होता था सीन में, ऐसे करो वैसे करो, हमेशा हेल्प करते थे, यू नो, लाइक अ सीनियर हेल्पफुल पर्सन. वेरी ग्रेशियस, वेरी ग्रेसफुल. तो क्या आपको किंग अंकल से DDLJ में शाहरुख की लेकर गए, या DDLJ में आपकी एंट्री की कहानी और कुछ है? बिल्कुल ही, मतलब आई डोंट थिंक शाहरुख हैड एनीथिंग टू डू विद दैट. यश चोपड़ा जी के ऑफिस से फिल्म क्राफ्ट के ऑफिस को फोन गया था, जो आपके आपको मैनेज करते थे. मैनेज कोई नहीं कर, उन दिनों कुछ नहीं होता था. अच्छा. अगर किसी ने आपका काम देखा, आपका काम पसंद आया, तो कहीं से आपका नंबर ढूंढ के आपसे बात ही कर लेते थे. मैनेजर्स नहीं हुआ करते थे, कुछ नहीं हुआ करता था. तो उन्होंने डायरेक्टली मुझे फोन किया, लेकिन मेरा नंबर उनको राकेश जी के ऑफिस से मिला. अच्छा. तो उनको कहाँ से ये ख्याल आया ये मुझे नहीं पता. बट शायद किंग अंकल देखकर उनको लगा होगा कि. और आपका ऑडिशन करवाया तो आपका अकेले का करवाया या काजोल के और पूरे परिवार के साथ करवाया था? एक्चुअली दैट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग. उन्होंने एक फोटो शूट करवाया था काजोल और मेरा एक साथ, ताकि वो देख पाए कि हम बहने लगती हैं. तो वो फोटोशूट बहुत ही फन रहा, वहाँ हमारी केमिस्ट्री अच्छी थी. तो शायद वही ऑडिशन था, यू नो, सीन वगैरह तो नहीं था. शायद उनका मन बन गया था कि उनको मेरे साथ ही काम करना है. और यू नो, सो आई डोंट रियली रिमेम्बर कि 10 लोगों ने ऑडिशन किया दिलवाले के लिए. तो बस आपका ऑडिशन लिया और आपको इन्फॉर्म कर दिया गया कि यू आर सेलेक्टेड फॉर द रोल. वो फोटोशूट किया एंड आई सपोज दे उनको लगा होगा कि हाँ ये दोनों जचते हैं एक साथ. और फिर पैम जी हमको मुझे सब कपड़े शॉप कराने के लिए ले चली टू ऑल दीज बिग डिजाइनर स्टोर्स, यू नो, बिकॉज दे हैड टू शो कि लंदन से फैमिली है. तो और उनकी डिटेलिंग, बाबा रे बाबा, सेट के ऊपर जो किताबें थी वो भी, मतलब मुझे लगता है मेड इन लंदन होंगी, मतलब बिकॉज लाइक दे हैड रियली गॉन इनटू क्रेजी डिटेल. तो जो आपका लंदन वाला घर था वो लंदन में नहीं था, वो यहाँ था. कहाँ बना था? फिल्मिस्तान यहाँ. या आई थिंक इट वाज वन ऑफ दोस सबको लगा मैं लंदन गई, नहीं गई मैं लंदन. देखो ना, कोई ले चलो मुझे लंदन अभी, मतलब उसके बाद बहुत बहुत समय बहुत बार गई, लेकिन उसके शूटिंग के लिए नहीं गई. ऑल द यंगस्टर्स दे ओनली गॉट टू गो एंड देन हैव अ लॉट ऑफ फन. फर्स्ट डे कौन सा सीन शूट किया गया था? For Dilwale, the scene at home with my parents where, you know, I'm making all those smart lines, ye kashti mein, patrile samundar mein,
नाव नहीं डालनी चाहिए ऐसे कुछ मुझे लाइन था जब मनाने का वो होता है वो जब मैं ऐसे सब कर रही हूं पापा का मूड देख के फिर बात करेंगे जब मैं उंगली कर रही हूं मतलब फुल स्टैंड अप कॉमेडी हरकतें कर रही हूं मैं तो हां आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट अमरीश पुरी को बहुत गुस्सेल दिखाया है सेट पर कैसे रहते थे इतने स्वीट क्या बताऊं माय गॉड उनके जितना हसमुख रिलैक्स सैगल के गाने गाया करते थे और इतने वॉर्म लविंग केयरिंग इन्वॉल्व्ड एक्टर थे वो हर सीन की महीनता में यू नो पंजाब में कैसे होता है ऑथेंटिसिटी लाने में बहुत ही माहिर थे और उनका जो किरदार है उसके बिल्कुल ही विपरीत थे रियल लाइफ में अच्छा क्या बात है और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि अगर लंदन यहाँ पर था तो फिर पंजाब भी फिर यही होगा मुंबई में ही क्रिएट किया मैं बताऊँ पनवेल था पनवेल अच्छा पंजाब तो गए थे ये लोग लेकिन जो फिल्म का क्लाइमैक्स है वो पनवेल स्टेशन पर शूट किया था अच्छा नॉट इन लाइक सरसों के खेत मुझे कहीं नहीं लेकर गए खुशबू कहीं नहीं पनवेल लेकर गए मुझे बस और गोरेगांव जिस वक्त ये फिल्म बन रही थी क्या आपने सोचा था इतनी बड़ी हिट बनेगी क्या तब ऐसा सेट पर क्योंकि आदित्य चोपड़ा की फर्स्ट फिल्म थी और जितने भी लोग इस फिल्म से जुड़े थे सब नए थे हाँ शाहरुख का स्टारडम था काजोल थी बट कॉन्सेप्ट नया था कुछ भी हो सकता था आई थिंक दिलवाले रिलीज होने के समय कोई ये भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि ऐतिहासिकली एक फिल्म इतनी बड़ी हो सकती है ये फिल्म बड़ी होगी ये तो बिल्कुल ही अंदाज़ा नहीं था लेकिन एक फिल्म इतनी बड़ी हो सकती है जो 28 साल चल सकती है थिएटर में yes. मतलब आज भी अगर मैं किसी को बोलूं यू नो आई हैव अ फिल्म रनिंग इन थिएटर्स ये झूठ नहीं होगा यू नो और ये 28 साल से कोई अगर कह पाए बहुत ही क्रेजी चीज है मतलब ये दर्शकों के दिल में इतना प्यार हो सकता है इतना स्नेह हो सकता है एक फिल्म के लिए ये मानना मुश्किल है और एक फिल्म एक कहानी इतना घर कर जाएगी कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता था पूजा फिल्म रिलीज हुई कब आपको पता चला कि आई एम अ स्टार नाउ मुझे आज तक यकीन नहीं होता व्हाई बिकॉज ये इंडस्ट्री आपको कभी वो अभी अभी सब चलो हो गया हम आ चुके हैं सब अच्छा ये आपको फीलिंग देगी ही नहीं अच्छा। आप सबसे बड़े स्टार क्यों ना हो सुबह उठ के आपको ये ख्याल जरूर आएगा कि इसे बरकरार कैसे रखें इसे बढ़ाए कैसे तो वो कंफर्ट तो एक आर्टिस्ट और के लाइफ में है ही नहीं बट कहते ना कि बड़ी फिल्म चाहिए यार बड़ी फिल्म चाहिए और आपके साथ वो DDLJ से ही हो गया था इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड सब जगह इस फिल्म को पसंद किया गया मतलब इस फिल्म ने तो बहुत रिकॉर्ड्स कायम किए जहाँ जहाँ इंडियन सिनेमा का जिक्र होता है वहाँ वहाँ DDLJ का जिक्र होता है इतनी बड़ी फिल्म का हिस्सा स्टारडम तो आपको बहुत मिली आपको लगता है कि अब ठीक से भुना नहीं पाए या चीज़ें ठीक नहीं हुई फिल्म के बाद मतलब इतनी बड़ी फिल्म तो उसके बाद आप लीड एक्ट्रेस या और बड़ी फिल्मों का हिस्सा बन सकती थी लेकिन यूजुअली जो होता है हमारी इंडस्ट्री में और एक्चुअली जब व्हेन आई ट्रैवल्ड ये मैंने इंग्लैंड में भी एक्टर्स से बात करके जाना है आई एम श्योर दिस हैपेंस इन ऑल इंडस्ट्रीज कि अगर आप एक चीज़ बहुत उम्दा करते हो तो आपकी एसोसिएशन उस चीज़ से इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि लोग आपको और किसी रूप में देखना थोड़ा मुश्किल बन जाता है उनके लिए टाइप का सर इमेज वो स्ट्रांग हो गई कि चुटकी है हाँ और उसके ऊपर से अगर आप 28 साल बाद चुटकी जैसे दिखो भी तो थोड़ा और भी मुश्किल हो सकता है यू नो तो ऐसे लगता है किसी को सैंपराइज कर दिया और टाइम में गड़ गए हों और ये अभी कुछ नहीं हो सकता तो मुश्किलें ऐसे होती गई ऐसे तो हाँ बहुत टाइप कास्ट भी हुआ आफ्टर किंग अंकल आफ्टर दिलवाले बहुत बहुत सी जगहों में मुझे काम नहीं मिला क्योंकि लोग जाने पहचाने होते हैं ये उनके अगेंस्ट काम करे ये पहली बार यू नो लाइक वी कांट हायर यू ये फेस बहुत नोन है या हावी हो जाएगा ओवर एक्सपोज भी नहीं क्योंकि मैंने इतना काम नहीं किया था यू नो ऐसा नहीं कि 100 फिल्म की उसके बाद तब जाके ओवर एक्सपोज होता है लेकिन ये इतना स्टैंड आउट और निखर के आया था ये कैरेक्टर कि वो इतना क्लियरली सबके माइंड में था
कि मैंने थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा काम कर लिया आई थिंक, तो अपने पाँव पे थोड़ी सी कुल्हाड़ी मार दी एंड उसकी वजह से बहुत सारा बहुत वक्त ऐसा हुआ कि तो कभी सोचा नहीं कि चलो बॉलीवुड में नहीं साउथ से ट्राई करें. आई डिड एक्चुअली बट आई थिंक देयर इज इट्स हार्ड टू नो हाउ टू गो अबाउट इट ना. आप किसको किससे बात करें, तो ये कभी हो नहीं पाया. एक आध लोगों से बात की थी लेकिन कभी कुछ हुआ नहीं, यू नो. और वैसे भी मैं पढ़ाई में मसरूफ़ थी, मैंने और बहुत सी चीज़ें की क्योंकि मुझे रन ऑफ द मिल स्टफ नहीं करना था. अच्छा. मैंने मास्टर्स इन साइकोलॉजी की, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर थी, फिर मैंने स्टैंड अप कॉमेडी, थिएटर, वॉइस ओवर्स, बहुत सी चीज़ें की. जब मैं वेट कर रही थी, मार्शल आर्ट सीखी 15 साल से, अभी भी सीख रही हूँ, म्यूज़िक सीख रही हूँ, गाना रिकॉर्ड किया है जो रिलीज़ होने वाला है, सिंगिंग सीख रही हूँ, तो हाँ, आई हैव स्पेंट माई वेट वेरी वेल. आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैंने फिल्में नहीं छोड़ी, फिल्म्स ही मेरे पास नहीं आई, सही ढंग की फिल्में नहीं आई. हाँ. तो क्या आप लीड एक्ट्रेस के लिए और इस तरह के रोल्स के लिए सोच रही थी? डेफिनेटली, यू नो, हु डजंट वांट टू. यस. बट एट द सेम टाइम आई वाज वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस हैज टू मेक सेंस. बट यू हैड एसोसिएशन विद YRF, शाहरुख से भी अच्छी जान पहचान थी, तो कभी प्रोफेशनल टर्म्स मेरे स्टैंड अप में ना इसके बारे में एक पूरा सेट है. हाँ. कि काश एक ऐसे हैंगिंग गार्डन जैसी जगह होती जहाँ सब लोग जाते हैं, बैठते हैं, चाय पीते हैं, कॉफी विद करण सब पी रहे हैं, मतलब, और आप जाके हेलो बोल सकते हो और आपको काम मिल जाएगा. ऐसे थोड़ी होता नहीं है, होता है. You know, सब अपने फ्रेंड्स को बढ़ावा देंगे, अपने बच्चों को ब्रेक देंगे, यू नो, थोड़ी ना. और ऐसा नहीं कि मैं थी नहीं, मेरा फोन नंबर जब से मेरे मोबाइल फोन इन्वेंट हुए हैं तब से एक ही रहा है. तो क्या बात है? अगर कोई मुझे इंडस्ट्री में, हाँ, अगर कोई मुझे पहुंचना चाहता था तो जरूर पहुंच पाते. लेकिन ऐसे हमने हिस्ट्री में इतने आर्टिस्ट के साथ होते हुए देखा है कि ऐसा नहीं कि आपको काम नहीं आता या लोगों ने आपको सराहा नहीं है, लेकिन आप जैसे यू स्लिप थ्रू द क्रैक्स, यू नो, एक बॉक्स नहीं था जिसमें वो आपको डाल सके, यू नो, क्योंकि बहुत समय तक हेरोइंस भी, जैसे पहले के ज़माने में हेरोइन शॉर्टर सिंपलर हुआ करती थी, लाइक जया बच्चन जी, ये वो. एक फिर दौर आया जब हीरोइन सारे, मतलब 5'9", मिस इंडिया, टॉल, यू नो, दे हैड अ सर्टेन हीरोइन ऐसी लगनी चाहिए, यू नो, और फिर 4 सीन 2 गाने, और मुझे पैटर्न चेंज हो गया, पैटर्न चेंज हो गया, स्क्रिप्ट चेंज हो गए, सब कुछ चेंज हो गया. नहीं कि ऐसा मैं नहीं कह रही कि अच्छे फिल्म्स नहीं बन रहे थे, लेकिन एक उसका पता नहीं कुछ मॉडल चेंज सा हो गया. एंड हम वेट कर रहे थे कि एक समय आएगा, एक दौर आएगा जब परफॉर्मेंस ओरिएंटेड चीजें वापस आएंगे, और ये दौर आया है. अब ओटीटी के जरिए, तो अभी आप कुछ कर रहे हो? आई एम वेटिंग, आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ स्टैंड अप, आई एम राइटिंग अ लॉट, एंड आई एम डेफिनेटली ऑडिशनिंग अ लॉट. सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी व्हाट द न्यू राइटर्स एंड डायरेक्टर्स हैव इन स्टोर फॉर मी. और आपके स्टैंड अप में आप किस तरह की कॉमेडी रहती है, और कहाँ कहाँ आपके शोज़ होते हैं, और आने वाले टाइम में कहाँ कहाँ हैं आपके शोज़? मेरे शोज़ बहुत से वेन्यूज़ पे होते हैं जो मैं इंस्टाग्राम पे हमेशा पोस्ट करती हूँ, तो प्लीज़ मुझे फॉलो करिए और आपको मेरे शोज़ का इन्फॉर्मेशन वहाँ ज़रूर मिलता रहेगा. और मेरा मटीरियल यूजुअली मेरे लाइफ पे आधारित होता है, चीज़ें जो मुझे अजीब लगती हैं, लोग जो मुझे वियर्ड लगते हैं, किससे जो क्या इस इंटरव्यू पे भी कोई स्टैंड अप कॉमेडी होगा? देखेंगे इंटरव्यू देखने के बाद. पूजा, कॉमेडी इतनी टफ चीज है. अभी मतलब आपने लाइफ में हर चीज इजी तो की नहीं है, कॉमेडी क्यों? क्योंकि एक ऐसा आलम आया कि आपने रियलाइज किया कि ड्रामा तो भाई कोई भी आपको रुला दे, यू नो, ये मुश्किल चीज नहीं है. लेकिन अगर आप को रोना आए और फिर भी आप किसी को हंसा सको, ये बहुत बड़ी बात है. और लाइफ में लाफ्टर आई फील इज लाइक वन ऑफ दोज ऑक्सीजन मास्क, यू नो, कि अगर डूब भी रहे होते हो, अगर आप उस पर हंस पाओ तो बस, यू नो, गुजारा हो जाएगा और एक राह भी आपको मिल जाएगी. तो इसीलिए मैंने ये चैलेंज के तौर पे खुद को चैलेंज करने के लिए ये लिया. कोरोना पीरियड आपके लिए टफ रहा, आपने एक ही महीने में अपने बहुत दो अजीज लोगों को खोया. क्या हुआ, किन दो लोगों को आपने खोया, प्लीज बताइए, कैसे आपने कोप अप किया? पैंडेमिक के कुछ ही समय पहले मेरे बहन की बच्ची के पहले बर्थडे पर
उनकी नानी और मेरी मम्मी का बहुत ही सडनली कार्डियक अरेस्ट हुआ और पूरे पार्टी के दौरान वो एकाएक चल बसी और उसके 36 दिन के अंदर ही अंदर मेरी नानी जो कैंसर के फोर्थ लास्ट स्टेज से बैटल कर रही थी वो भी चल बसी। तो कोरोना का पीरियड बहुत ही क्रेजी रहा, बहुत ही दुखी। एक किस्म से तो मैं खुशी थी कि पूरी दुनिया चुप बैठ रही थी क्योंकि आवाज़ झेली भी नहीं जाती। और पढ़ा कैसे, कोप अप किया, क्या राइटिंग की, अपने कॉमेडी और स्टैंड अप कॉमेडी पे ध्यान दिया? स्टैंड अप कॉमेडी तो हो नहीं पाई उस समय क्योंकि मैंने एक्चुअली मेरा पूरा 1 आवर लिखा था और सब मेरे लाइफ पे बेस्ड था, मेरी मम्मी और नानी पे बेस्ड था 75% ऑफ माई न्यू सेट। तो मुझे लगा मैं 1 आवर परफॉर्म करूँगी और फिर दोनों के जाने के बाद तो वो परफॉर्म बिल्कुल लाइफ फेल्ट लाइक अ जोक, आप क्या जोक क्रैक करोगे। तो मैंने क्या किया, कैसे कोप किया, मैं अभी भी कोप कर रही हूँ टू बी ऑनेस्ट। आप माँ और बच्चे का रिश्ता तो समझ ही सकते हैं। और मैं जब 15 साल की थी मेरे पापा का देहांत हो चुका था तो सिर्फ मम्मी ही थी हमारे पास, उन्हीं का सहारा था। और उनके जाने के बाद जैसे सब लोग बदल गए, फैमिली के बहुत लोग, उनके फ्रेंड्स, बहुत मतलब करोना ने सबके सही रंग दिखा दिए मतलब। तो उससे जूझना, झेलना, उन चीज़ों को बहुत रोए, बहुत दीवार को बस बैठ के देखते थे, कुछ समझ ही नहीं आया, अभी भी नहीं समझ आता। लेकिन अभी थोड़ी एक्टिंग कर पाते हैं कि ठीक है। लेकिन कुछ लॉसेस ऐसे होते हैं जो कभी नहीं आप इनके साथ कोप कर सकते हैं, आप होप कर सकते हैं कि एक दिन कोप कर जाए। बट सोनाक्षी आपकी कजिन है, इंटरनेट पर सब जगह मेंशन है पर जानते नहीं है लोग कि एग्जैक्टली कैसे कनेक्टेड हैं वो आपसे। मेरी मम्मी और उनकी मम्मी फर्स्ट कजिन्स हैं। अच्छा। लेकिन उनकी मम्मी मेरी नानी को अपनी माँ समान मानती थी। अच्छा। तो हम सब की परवरिश ऐसे फर्स्ट कजिन्स के तौर पे ही हुई। तो बचपन भी आपका साथ बीतता है और सब कुछ। और उनके जो दो भाई हैं, जो बड़े भाई हैं, वो मेरे एज के करीब हैं और सोनाक्षी और मेरी छोटी बहन वो दोनों करीबी एजेस के थे। तो हम सब इकट्ठा ऐसे खेलते थे। सोनाक्षी जैसे मेरे छोटे बहन की एज की थी तो छोटे बहन की तरह थी और उनके बड़े भाई मेरे हम उम्र के थे तो हम एक साथ खेला करते थे। पूजा आप इतनी बेहतरीन एक्ट्रेस है, बात करें अभी शाहरुख खान की तो उन्होंने पठान में गर्ल गैंग के साथ काम किया, उन्होंने चक दे में भी गर्ल गैंग के साथ काम किया, पूजा क्यों नहीं थी उन सब में? I don't know, शाहरुख, what's going on, yeah? हाँ, this question is for you, not for me. I don't know. हम लोग शाहरुख तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि next time अगर शाहरुख गर्ल गैंग पर कोई फिल्म बनाए, जो कि उनके लिए लकी है, आई थिंक। हाँ, मुझे लग रहा है कि वो मेरे लिए ना बहुत ही बेस्ट रोल लिख रहे हैं। yes. बिल्कुल। जो जहाँ गर्ल गैंग में सिर्फ मैं हूँ मेन गर्ल, आप अकेले ही काफी हो। मैं अकेली काफी हूँ मतलब, और नहीं तो क्या, पहुंचा दो मैसेज, मैं कह रही हूँ खुशबू बना दो मेरा करियर आप। क्या बात है, बॉलीवुड ठिकाना पे लगा दो ठिकाने मुझे आप। यस। पूजा, जो एक्टर्स इंडस्ट्री में आना चाहते हैं उनको क्या टिप देंगे आप अपने करियर को देखते हुए? कि यू आर पार्ट ऑफ अ वेरी बिग फिल्म एंड देन यू हैड डिफिकल्टीज, डोंट क्विट योर डे जॉब। यस। ये कोई लॉजिक नहीं है, जंगल है, जंगल में अगर चलना पसंद है आपको तो प्लीज आइए, और जंगल से अगर डर लगता हो तो घर पे रहिए। कोई लॉजिक नहीं, नसीब है, और नसीब को आजमाने और खुद को बुलंद करने की ख्वाहिश हो तो ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि आज के ज़माने में ये वो सब सहूलियत है जो पहले के ज़माने में नहीं थी। एक टाइम पे तो टीवी 3 घंटे के लिए होता था, दूरदर्शन, फिर पूरे दिन के लिए शुरू हुआ, फिर 300 चैनल शुरू हुए। हम आज एक ऐसा आलम है, हर इंसान एक चैनल बन सकता है। लेकिन
इतना अपॉर्चुनिटी, इतनी अपॉर्चुनिटी वेस्ट नहीं करनी चाहिए. कुछ सेंसिबल लोगों को बोलना चाहिए, और जब दिल से बात करेंगे और दिमाग यूज़ करके बात करेंगे तो ज़रूर कुछ अच्छा बनेगा. अगर कुछ अच्छा बनेगा ज़रूर लोग पसंद करेंगे, अगर लोग पसंद करेंगे तो ज़रूर आप आगे बढ़ोगे. तो कोई फार्मूला नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है, बस चलते रहो, चलते रहो, यू नो, डोंट गिव अप एंड बट बी क्रिएटिव अबाउट इट. आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने डिग्री की, एजुकेशन किया. एक फॉल बैक होना चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे तो भाई दाल आटे का भाव तो सबको जानना ही पड़ेगा एक ना एक दिन. और मद्देनजर रखते हुए चले तो बेस्ट है, यू नो, फॉर नो रूड सरप्राइजेस. बिकॉज ये ऐसा फील्ड है जहाँ जॉब्स बहुत कम है, एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा हैं. और वंस अगेन कोई लॉजिक नहीं है एक्सेप्ट फॉर द वे पीपल लव यू एंड व्हाट दे लव इज समथिंग नोबडी हैज बीन एबल टू प्रिडिक्ट और कंट्रोल. एंड फॉर दैट आई एम वेरी ग्लैड बिकॉज यू गाइज हैव लव्ड मी फॉर सो लॉन्ग एंड दैट मीन्स द वर्ल्ड टू मी. इट रियली डज. इवन टुडे व्हेन पीपल वॉक अप टू मी आफ्टर अ शो, व्हेन आई डिड अ कॉर्पोरेट शो यस्टरडे एट एन ऑफिस, एंड यू नो दे थिंक ऑफ चुटकी एंड दे सी माई स्टैंड अप एंड दे रियली एंजॉय देमसेल्व्स एंड यू सी दैट जेन्युइन जॉय ऑन समवन्स फेस. I feel like the most privileged, the luckiest and blessed person on this planet. So thank you very much for giving me the chance to bring you that joy. It is the joy of my life. Pooja, DDLG ki agar baat karein, to jo log DDLG mein the, wo aaj industry mein bahut bada naam hai. Shahrukh Kajol ki to main khair बात ही नहीं करूंगी, वो तो ऑलरेडी है. लेकिन अगर बात करें करण जौहर की, तो उस टाइम उन्होंने इंडस्ट्री में शुरू भी नहीं किया था, असिस्टेंट ही थे वो वहां पर. दिलवाले पे असिस्टेंट थे एक्चुअली. हाँ, तो बहुत ही स्वीट, बहुत ही फन. हाँ, तो आज वो इतने बड़े फिल्म मेकर है, तो कभी उनसे कॉन्टेक्ट नहीं हुआ काम के सिलसिले में? मैंने उनके प्रोडक्शन हाउस पे दो तीन ऑडिशन जरूर दिए थे फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स एट डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम. शायद कुछ क्लिक नहीं हुआ होगा, और मन ही मन मैं प्रार्थना करती हूँ कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बाद वो स्टैंड अप ऑफ द ईयर बनाएंगे मेरे साथ, और उसमें मैं लीड में होंगी. मनीष मल्होत्रा का भी वो स्टार्टिंग पॉइंट था करियर का. उनसे भी मुलाकात होती रहती है यहाँ वहाँ, बहुत ही स्वीट है, बहुत ही वार्म है, बट प्रोफेशनली चीजें आगे नहीं बढ़ी. नॉट येट. चलिए आज अभी एक इंटरेस्टिंग बात करते हैं. इन दिनों सीक्वल्स का जमाना चल रहा है, रीमेक्स का जमाना चल रहा है. DDLG आइकॉनिक फिल्म है, वैसे तो उसका सीक्वल या रीमेक बनना चाहिए ना. नहीं, सीक्वल बनना चाहिए, रीमेक तो कोई नहीं बना सकता है. रीमेक करते हैं. हाँ, तो अगर DDLG का सीक्वल बनता है तो क्या कास्टिंग होनी चाहिए? शाहरुख की जगह कौन होना चाहिए? राज का रोल कौन निभाएगा? देखो, काजोल की जगह मैं होनी चाहिए. ओके, ठीक. लाइक शी इज ग्रोइंग विद अस. आई विल बी सिमिलर. हां, ओके. फिर जो मेरे होने वाले वो होंगे, जो मेरे शाहरुख खान होंगे लाइफ में, आपके राज. हां, मेरे राज जो होंगे वो राज. Okay. Haan. So all you boys, please, you have to be very good to me now because I'm going to make you Shahrukh Khan. Okay. और Farida ji. Farida ji. Seema Pava ji. Yes. She's my absolute heartthrob. I love her. और Amrish Puri ji. Manoj ji, of course. Or we could do a really funny one and have Sanjay Mishra. Ah, I know. We did a series together called Life Out of Control where Manoj ji was there, Sanjay Mishra was there, and so yes. But आपको नहीं लगता संजय मिश्रा शाहरुख के पापा के, मतलब राज के फादर के रोल में जाएंगे? आपको नहीं लगता आपको कास्टिंग में होना चाहिए? है ना. और फिर आपकी छोटी बहन भी चाहिए, वो कौन? मेरी छोटी बहन, चुटकी की छोटी, अपनी छोटी बहन को ले लूंगी मैं उसमें. हमेशा रोती रहती है, नेपोटिज्म का इल्जाम लग जाएगा. चलो कोई तो करे, कोई तो बेनिफिट करे, वैसे भी कर रहे हैं, मतलब हम भी तो थोड़ा ये चखे. यस, ऑफ कोर्स. और वो बुआ जी का किरदार, शी इज सो लवली, माय गॉड. बुआ जी का किरदार मेरी अचिंत कौर वुड मेक एन इंटरेस्टिंग वन. ओके. और मंदिरा बेदी, I don't know so many. I'm sure Alia Bhatt wouldn't want to do it. Yeah. I really like she her. Won't. She won't. After National Award, she no, won't. No, after National Award, she won't do anything. But I'm just such a huge fan of hers. I don't know. I'll have to. Thank you, Pooja. What a fabulous casting. DDLG to banni hi chahiye ab.
बिल्कुल। मुझे आपसे जानना चाहते हैं कि आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, कब वो होने वाले हैं, ताकि आपके फैंस आपको चेज करें। आई एम वेरी ग्लैड यू आस्क मी दैट। मैंने थोड़ा ट्रैक ऐसे एक्सपैंड किया है। पुराने जमाने में याद है एक्टर्स गाया भी करते थे। Yes. तो मेरे ख्यालात मैं क्या करूँ, ब्लैक एंड व्हाइट जमाने से आई थिंक, बट सिंगिंग सीख रही हूँ काफ़ी सालों से, और एक गाना रिकॉर्ड किया है जो रेडियो पे रिलीज होने वाला है, और उसका म्यूजिक वीडियो शूट कर रही हूँ। तो वेरी सून कमिंग टू योर फोन एंड ऑन टू यूट्यूब एंड स्पॉटिफाई एंड ऑल द अदर प्लेसेस इज अ सॉन्ग बाय मी। सो आई रियली होप दैट द ऑडियंस इज गाना चाहेंगी वो सॉन्ग। हाय हाय हाय, इट्स एक्चुअली अ डुएट, सो इट्स अ लिटिल हार्ड टू सिंग इट ऑल बाय माई सेल्फ, बट आई विल सेंड यू अ क्लिप वंस द वीडियो इज रेडी, प्लीज, सो दैट यू गाइस कैन प्ले इट ऑन बॉलीवुड ठिकाना फर्स्ट। स्टैंड अप कॉमेडी के बाद अब सिंगिंग, यस, थिएटर एंड इम्प्रोव कॉमेडी एंड स्टैंड अप कॉमेडी एंड राइट। And yeah, wow. So this was Pooja Chutki from DDLJ. Thank you, Pooja, for coming here. Thank you, Krishna, and sharing your story with us. It's absolutely been an honor and a pleasure, especially on the 28th year anniversary of Dilwale. What a special time to be sitting here and chatting with you about the entire journey so far. Yes. I've had a great time. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you all for being the most wonderful fans and the most loving audience. I really feel blessed. And I hope to see a lot more of you by showing you a lot more of me. Bollywood Tikana par abhi ke liye bas itna hai. Phir milenge ek aur celebrity ke saath. Tab tak dekhte rahiye Bollywood Tikana. Yes.